20वें प्रॉपर्टी एक्सपो में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो सबसे बड़ा आकर्षण है इस वक्त वो है ओम इंफ्रा और डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 13 लाख में प्रॉपर्टी शोकेस की गई है, खोपोली के आसपास कहीं प्रॉपर्टी है। इस वक्त हमारे साथ सीके अग्रवाल साहब हैं, उन्हीं से हम पूछने की कोशिश करते हैं एक्चुअली किस तरह की प्रॉपर्टी है, कहाँ पर ये लोकेशन है और क्या प्राइस रेंज रखी। सर ये 13 लाख का प्रॉपर्टी है और लौजी स्टेशन रोड पर है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो 7 माले का टावर है और लोगों को सब छोटे लोग जो काम करते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए दी बेस्ट है। मैं बहुत प्राउड से फील कर रहा हूँ। तो मैं जो बजट रखा है 13 लाख का, तो सबको मिले, घर मिले, छोटे छोटे आदमी को सबको घर मिले, उसके लिए ये प्राइस रखा है, स्पेशल प्राइस रखा है उसके लिए। मतलब हर मजदूर आदमी, जो कामकाजी आदमी, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसको घर मिल सके, ये सपना है वो इंफ्रा एंड डेवलपर्स का। तो हम गौरव अग्रवाल जी से जानने की कोशिश करते हैं, जो दूसरे डायरेक्टर हैं। सर क्या क्या सोच रही कि 13 लाख में ही घर उपलब्ध होना चाहिए, किन लोगों को खासकर ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट पेश किया गया? सर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि हर एक को घर मिले, मगर आज की प्राइजेस और सब कुछ देखते हुए हमने ये कैलकुलेट किया कि घर सबको मिल ही नहीं पा रहा। तो उसके रीज़न के कारण हमने अपनी बेस्ट ऑफ दी टीम और आर्किटेक्ट्स के साथ कोशिश करके एक ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया है जिसके अंदर 13 लाख ऑनवर्ड से हम उनकी हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट फिल कर सकते हैं, चाहे फोरमैन हो या नीचे छोटा से कोई भी आदमी हो जिसके पास कोई भी इनकम प्रूफ कम हो, नहीं हो, या घर लेने की इच्छा हो, तो उसको भी गवर्नमेंट लोन देने के तैयार है। और हम उनको घर नहीं दे सकते, इसलिए हमने वही कोशिश की है कि उनको घर दे सके। क्योंकि जिधर भी आप जाएंगे तो किधर भी वो अफोर्डेबल बोल के भी अफोर्डेबल नहीं है, किधर भी जो घर देख रहे हैं वो 40 लाख 50 लाख के ऊपर जा पा रहे हैं। हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है एक ऐसी लोकेशन पर जो म्यूनसिपालिटी के अंदर आती है, जहाँ पर लाइट पानी गवर्नमेंट हर तरह का फैसिलिटी दे पा रही है, सेंट्रली लोकेटेड है, वहाँ पर रेलवे है 400-500 मीटर की वॉकिंग पे, बाजू में हॉस्पिटल, स्कूल्स और हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है। और वो ट्रेन कनेक्शन जो डायरेक्ट आपकी वहाँ पर खपोली से लेकर CST तक है, और वो सब फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, वो लोकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक कैटेगरी को, एक हर एक आदमी को हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आइए, ज़्यादा नहीं, आप 5% पे कीजिए, बाकी 95% हम बैंकिंग से लोन करवा के देंगे आपको और आपका घर बने। आप मेरे को खाली 50,000 दीजिए, बाकी पूरा बैंक आपको देगी लोन, आप आइए और जो फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं ताकि हर एक आदमी का सपना पूरा हो, ये हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। और जिसके लिए हम वहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इस तरीके के, जहाँ पर हर एक आदमी को घर मिल सके। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग आज उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर शोकेस किए वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या किस तरह का इसको डिज़ाइन किया गया है, कितने फ्लैट से, कितने स्टोरी के बिल्डिंग है? ये 150 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक बिल्डिंग हम लोग ने कंप्लीट कर दी है और फुल सोल्ड अप हो गई है। उसके बाद हम एक दूसरे बिल्डिंग बना रहे हैं जिस अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये 150 फ्लैट इसमें है जिसमें 1 रूम से लेकर 1 BHK से लेकर सब अवेलेबल फैसिलिटी है। और ये पूरा का पूरा मेन स्टेशन रोड पर है, खपोली लौजी रेलवे स्टेशन रोड। आप ये वहाँ से खाली 5 मिनट वॉकिंग, यानी आप ये समझिए कि 400 मीटर आदमी बात करते करते स्टेशन पहुंच जाएगा और 5 मिनट बात करते करते हाईवे पहुंच जाएगा, जहां से उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है पूना के लिए, वाशी के लिए, नवी मुंबई के लिए। और इसके अलावा आप यह देखेंगे कि हमें छोटा सा फैसिलिटी, लो मेंटेनेंस रहे, उसके छोटी सी गार्डन और जो अमेनिटीज हो सकती है, जो लोग घर तो ले रहे हैं लेकिन घर का मेंटेनेंस भी करनी मुश्किल होती है, वो करने के लिए भी हमें ऐसी फैसिलिटीज़ दी हैं जो लोगों को खर्चा नहीं पड़ सके, कम से कम फैसिलिटीज़ हो सके। और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब टावर हैं, आप ये देखेंगे सब 7 माले के टावर हैं और सब एलिगेंट बिल्डिंग है। वो ऐसी बॉक्स टाइप बिल्डिंग्स नहीं बना रहे कि जो लोगों को बोले यार मैं पैसे कम दे रहा हूँ तो मुझे चीज़ अच्छी नहीं मिल रही, वो हमें ध्यान रखते हुए। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारी सारी बिल्डिंग्स, ये वाली बिल्डिंग्स भी जो है और ये वाली फ़ोटोज़ में भी जो, अगर आप इस बिल्डिंग को दिखाइए, इस बिल्डिंग में आप देखिए कि हमें पूरा एलिगेंट तरीके से फुल फ्रेंच विंडोज़ दी हुई है, बालकनीज दी है, ताकि जो आम आदमी भी अगर जाए बिल्डिंग में तो वो बिल्डिंग में जाके उसको वही मज़ा आना चाहिए जो लोग 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं। वो 1 करोड़ का फ्लैट लेने वाला भी इसमें मज़ा नहीं लेगा जो मैं इसमें दिलवाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे पूरा पहाड़ है, आगे नदी जाती है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है। तो आप सोचिए कि एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूँ कि जो 13 से 14 लाख रुपये में आदमी फंसते हुए बोलेगा यार बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई है और मेरा सपना पूरा हो गया है।
दो साल के लॉकडाउन के बाद ये एग्जीबिशन हो रहा है, लोगों को कुछ तंगियां भी हैं, तमाम तरह की आर्थिक परेशानियां, लेकिन आपको लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतने सस्ती कीमत में इस पूरे एग्जीबिशन में कोई भी बिल्डर ने, किसी डेवलपर ने इस तरह की प्रॉपर्टी को शोकेस नहीं? बिल्कुल सर, लॉकडाउन के को नज़रअान रखते ही हमें ये फैसला किया है कि इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज इतनी कॉस्टिंग्स बढ़ चुकी हैं कि कस्टमर्स जो भी काम कर रहे हैं उनकी घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो फ्लैट कहाँ से लेंगे? तो घर आदमी को फ्लैट लेने के लिए किसी प्रकार का पूरा सेटअप देना है, तो उसी चीज़ के लिए हमें उनके बजट को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग फाइनेंसिस से बात करते हुए, हर तरह का कैलकुलेशन करते हुए, लॉकडाउन के पूरे व्यवस्था को समझते हुए हमें ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि 13 लाख से 14 लाख 13 लाख 13.5 लाख जो फ्लैट्स आदमी ले सके और उनका काम हो सके। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 4 दिन एक्सपो चलने वाला है और ऐसे में जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि ये सबसे लोवेस्ट प्राइस वाला बजट होम है, तो क्या अपील उन ग्राहकों से करना चाहेंगे जो अभी तक कभी अपना घर नहीं खरीद पाए? मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि सर आप हमारे साथ जुड़िए, मेरे पास अभी इसमें सिर्फ 100 फ्लैट हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आके आप अपने फ्लैट बुक कर सकते हैं, अपना सपना बुक कर सकते हैं, कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी आप आएंगे मेरी भी हौसला बढ़ेगा तो मैं और वैसे फ्लैट आप लोगों के लिए बना सकूँ और आपका पूरा जो सपना है पूरा कर सकूँ। तो कितनी जल्दी आप आते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि मैं सपना लेके बैठा हूँ, अब सपना पूरा करना तो आपका काम है। एक तरफ मैंने हाथ बढ़ाया, एक तरफ आप हाथ बढ़ाइए। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि ओम इंफ्रा एंड डेवलपर्स ने सिर्फ 13 लाख कीमत में अफोर्डेबल हाउसिंग, आप जिसे कह सकते हैं, उसकी लॉन्चिंग की है। प्रॉपर्टी एक्सपो में 4 दिनों तक इसका शोकेस होने वाला है और ऐसे में जो लोग होम सीकर हैं, जो अभी तक वाकई लॉकडाउन का आर्थिक तंगी में है लेकिन वो घर खरीदने की चाहत रखते हैं, तो वो ये उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।